Another application of electrostatics is inkjet printer. Inkjet printer भी electrostatics पर base करता है. इसमें भी हम जो प्रिंट लेते हैं उसे समझने के लिए हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं. सबसे पहले इसमें इंक सप्लाई है. इंक सप्लाई एक पंप के जरिए नोजल तक पहुंचती है और नोजल का बिल्कुल वही काम है जैसे एक परफ्यूम की बॉटल का काम है. परफ्यूम की बॉटल में जैसे हम उसे ऊपर से प्रेस करते हैं तो फाइन ड्रॉपलेट्स उसमें से बाहर आते हैं, इसी तरह नोजल यहां पर यही काम कर रही है और ये काम इससे ये पंप करवाता है. इसके फाइन ड्रॉपलेट्स बनते हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं. जब ये आगे मूव करते हैं देयर आर टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थ्रू विच दीज फाइन ड्रॉपलेट्स पास. पहला कंपोनेंट जिसमें से ये गुजरते हैं वो है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स. दीज इलेक्ट्रोड्स विल गिव दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स अ चार्ज एंड देन दे पास थ्रू द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ने इनको डिफ्लेक्ट करवाना है. और यहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस्तेमाल देखते हैं क्योंकि हमें पता है कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं जबकि मुख्तलिफ चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इसी बेसिस पर ये जो चार्ज्ड ड्रॉपलेट्स हैं ये या तो हमें प्रिंट देते हैं और या प्रिंट नहीं देते. अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसे कंट्रोल करने के लिए हम डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं. जब हमें प्रिंट चाहिए तो फिर हम डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को ऑफ कर देते हैं. तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं ये अब कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते क्योंकि ये एक फील्ड फ्री रीजन में से गुजर रहे हैं क्योंकि डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ऑफ हैं. ये ना तो उन पर कोई फोर्स लगा रही हैं और ना ही इनको अट्रैक्ट या रिपेल कर रही हैं, इसलिए ये सीधे उस पेपर पर जाकर स्ट्राइक करते हैं और हमें प्रिंट देती हैं. ऑन द अदर हैंड जब हमें प्रिंट नहीं चाहिए तो हम इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को ऑन कर देते हैं. जब हम इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को ऑन करते हैं तो फिर ये इन चार्जेस को अट्रैक्ट और रिपेल करने लगते हैं और इस तरह नीचे एक गटर है जिसमें ये इंक के टाइनी ड्रॉपलेट्स चले जाते हैं और इस तरह से हमें उस पेपर पर कोई इंक ड्रॉपलेट नहीं मिलता और हमें कोई प्रिंट हासिल नहीं होता. सो इस तरह से हम इंक जेट प्रिंटर में भी जो प्रिंट हासिल करते हैं वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मदद से हासिल करते हैं. अब यहां पर एक और बात जो हम देखते हैं वो ये है कि जो इंक है उसके कलर पर चार्ज डिपेंड नहीं करता. चाहे इंक ब्लैक कलर की हो या ग्रीन या रेड किसी भी कलर की हो, चार्ज उस पर पैदा किया जा सकता है. इसलिए हम इंक जेट प्रिंटर के जरिए ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी ले सकते हैं और कलर प्रिंट भी हासिल कर सकते हैं.